टू क्यारा सबसे शॉर्ट, क्यारा सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे हिंदी टाइपिंग के लिए जो है क्लासेस, और आज है हमारी डे फोर की क्लास। और आज हमें करना है, क्योंकि हमने सारे बेसिक्स कर लिए हैं अभी, तो कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिन्हें आप कोड के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको ऑल्ट के साथ जो है नंबर प्रेस करने होते हैं और उसके बाद जा करके वो अक्षर आपको मिलता है। तो मैंने सारे को ही बताने की कोशिश की है यहाँ पे, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके अधिकतर जो है कोई भी आप अपने वर्ड लिख रहे हो तो उसमें यूज़ होता ही होता है। लेकिन उसके अलावा अगर मान लो कोई ऐसा आपको अक्षर मिल जाए, ठीक है, जिसको आपको बनाने ही नहीं आता हो, कोई शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें आपको कोई ऐसा अक्षर मिल जाए जो आपसे बन ही ना पाए, तो वो चीज़ें भी इंसान को पैनिक करती हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारा ही बता दूँ। तो ये अभी आपके कुछ यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे नहीं हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मैं इतना बता रही हूँ, उसके बाद से जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट में वो भी आपको बता दूँगी। जब स्टार्ट करते हैं नंबर वन से, देखो यहाँ बना हुआ है आधा झ, ठीक है। यानी कि जब आधा झ बनाना होगा तो हमें क्या यूज़ करना होगा, ऑल के साथ 0 to 1 4। अब देखो नंबर आप उधर से अगर लोगे, नंबर्स जो होंगे तो आपके फिंगर्स जो है ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएंगी और आपके नंबर्स हो जाएंगे। तो आप इस वाले हैंड से, यानी कि इधर लेफ्ट वाले हैंड से आप ऑल्ट ले लेना और ऑल्ट के साथ उधर नंबर आप प्रेस कर सकते हैं। आधा झ के लिए ऑल्ट के साथ आपको ये प्लस नहीं लगाना होता है, ठीक है ना। मतलब मैंने बताया है कि ऑल्ट के साथ है, इसका मतलब है कि इसके साथ मतलब जो है 0 to 1 4 को लेना है। अब ये नहीं कि ऑल्ट के बाद प्लस दबा देना, प्लस नहीं दबाना, ठीक है। यहाँ पे ये इया है ऑल्ट के साथ 1 6 5, ये टॉप पे देखो ट है, ठीक है, ये है ऑल्ट 0 to 0 5। इसको लाइन से याद रखना, जैसे देखो 0 to 0 5 0 to 0 6 0 to 0 7, तो लाइन से याद करेंगे तो आसानी होगी। जैसे आप लिखते हो गट्टा, ग ट और ट पे नीचे भी टॉप होता है, फिर आगे मात्रा होती है, तो गट्टा लिखने के लिए हमें ये वाला टॉ लिखना होता है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा ये कोड, जो कि होता है ऑल्ट के साथ 0 to 0 5। टॉप पे ठ है, जैसे मट्ठा, मट्ठा बोलते हैं ना, अगर मट्ठा कैसे लिखते हैं हम, म ट एस, मट्ठा लिखते हैं इस तरह से, तो इसके लिए यूज़ करते हैं 0 to 0 6। किसके लिए, टॉप पे ठ के लिए। ड पे ड के लिए, जैसे गुड्डा लिखना हो हमें, ठीक है, गुड्डा, तो गुड्डा में भी डॉ पे डॉ आता है, उसके लिए 0 to 0 7 ऑल्ट के साथ। ये सभी ऑल्ट के साथ होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। डॉ पे ढ, जैसे गड्ढा बोलते हैं ना, गड्ढा, तो गड्ढा में क्या होता है, गड्ढा से लिखते हो ग और ड और डॉ पे ये ऐसे गड्ढा, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ 0 to 1 2, ठीक है। ये क्या है, ये त पे इस तरह से लिखते हैं, कुत्ता लिखते हैं ना हम लोग, तो ये त पे क्या लगाते हैं, ये ऐसे मात्रा लगाते हैं, तो वही ये वाली मात्रा है ऑल्ट के साथ 0 to 1 7। ये आप अधिकतर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे जो यूज़ करने वाले हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी। ऐसा नहीं है कि यूज़ करने वाले नहीं है, यूज़ तो उस पर बहुत सारे करने वाले हैं, डिपेंड करता है कि आपके जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है उसमें कौन सा अक्षर पूछा गया है, या फिर कौन सा आपको इस तरह का पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कोई वाक्य ऐसा है, ठीक है, कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई ऐसा शब्द है जिसमें इस तरह के अक्षर का यूज़ किया गया है। चलिए, ये 9 है, 9 पे 9 है लेकिन ये आधा है, तो ऑल्ट के साथ 0 1 5 3, ये पूरा 9 है लेकिन 9 पे 9 है, यानी कि 2 बार 9 यहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसे गन्ना के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्ट के साथ 0 2 3 3, आधा 4 बनाना होगा तो ऑल्ट के साथ 0 1 8 2, ठीक है। तो ये भी यूज़ करते हो अधिकतर, ये भी यूज़ करते हो, ये वाला भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, ये सब अधिकतर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो मैं टिक कर दिया मैंने, ये अधिकतर यूज़ होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पर टिक नहीं करा वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो भी आपको याद करना होगा, याद कर लेंगे तो बेनिफिशियल है। अगर कोई ऐसा आपको पैराग्राफ मिल जाता है जिसपे इस तरह के आपको अक्षर मिल जाएं तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि टाइम बहुत कम होता है। ये देखो जो पे दो लगा हुआ है, ऑल के साथ 0 to 0 4 या फिर ऑल के साथ 0 to 3 7, ठीक है। चलो ठ पे ठ लगा हुआ है, जिसे मुट्ठी लिखते हैं ना, मुट्ठी, तो मुट्ठी में म मकर ओ की मात्रा और ये लगा करके बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो ऑल के साथ प्लस, या वो क्या है 0 to 4 0। स्त्री लिखते हैं तो वो आधा स और ट्र, ये दोनों अगर साथ में ही लिखना है तो ऑल्ट के साथ 0 to 4 3, ये भी आपको मिल जाएगा, अधिकतर मिल जाता है, ठीक है। ये क पे क है, ऑल्ट के साथ 0 to 4 4, क्योंकि मुख का लिखना होता है तो हम लिखते हैं इस तरह। ये द पे भ लगा हुआ है तो ऑल्ट के साथ 0 to 4 6, ये क्या है, ये मात्रा है, ठीक है। मात्रा मतलब जैसे मान लो आपने कुछ लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह से करके
इस तरह वाली मात्रा लगती है ना, वो ये है, इसके लिए यूज करते हैं ऑल्ट के साथ 0155। ये क्या है? चिन्ह, जब चिन्ह में लिखते हैं तो ह में न लगाते हैं, तो ये ह में न वाली जो मात्रा लिखनी होती है हमें, तो ये ऑल्ट के साथ 0224। ये क्या है? हृदय, जब हृदय लिखते हैं तो ह में र लगाते हैं, तो ह में जब र लगाना हो तो ऑल्ट के साथ 0226। जब हास लिखना हो, हास मीन्स जो कमी हम दिखाते हैं ना, कि दिखाते हैं कि यहाँ पे इतना हास हो रहा है, इतनी कमी हो रही है, तो वो ह में जो है ये वाला होता है मात्रा, तो ये ऑल्ट के साथ 0225 जाती है। ये क्या है? जैसे लिखते हैं द में म लगाना, ठीक है, द में म लगाते हैं, ये वही है, द में म लगाया हमने, तो ऑल्ट के साथ 024। जैसे क्या लिखते हैं? पद्म लिखते हैं, पद्मावती लिखते हैं, ठीक है, तो ये है द में म। क्र लिखना, ये भी आपका बहुत यूज होता है, क्र का भी यूज आपको बहुत मिलेगा, ऑल्ट के साथ 0216। अब इसमें कन्फ्यूज होते हैं बहुत लोग, देखो ये तीनों में ह में न, ह में र, और ह में क्या है? हास। इन तीनों को ध्यान से याद करिएगा, एकदम आगे पीछे, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, ये 225 वाला यहाँ, 226 वाला यहाँ, ऊपर नीचे, इन द सेंस की नंबरिंग बस ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि गलत लिखा हुआ है, ये लिखा सही है, लेकिन जैसे ये नंबर अगर यहाँ रहता थोड़ा सा और आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है, तो ये नंबरिंग में इस तरह से लिखा गया है, बाकी ये सारी चीज़ें सही है, ये सब यूज़ करने वाले हैं, अधिकतर यूज़ होते हैं, ये भी आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई, अभी आपको कुछ चीज़ें और बचे हुए हैं जो और ज़्यादा जो है यूज़ किए जाते हैं कोर्स, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी यहाँ पर नोट कराती हूँ। चलो, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो है अलग से मैंने लिखवाया है आपको, जो लिखवा दिया था पहले उसको भी आपने देख लिया है, मैंने यहाँ पर नंबरिंग चेंज नहीं करी है, ठीक है, नंबरिंग जो है हमारी जो है उसके बाद से मैंने इसको इरेज करके वापस से 1 से ही इसको लिखवा दिया, आप चाहिएगा तो नंबर्स जो है अपने अलग से डाल दीजिएगा। चलिए, जैसे हम लोग लिखते हैं मुक्त, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से, तो अगर इस तरह से क में त लगा हो तो ये इसे लिखने के लिए ऑल्ट के साथ 0228। ये क्या है? जैसे ट्र लिखना हो ना, ये ट्रेन लिखना हो, तो अगर ट में र लगाना हो तो ट में र लगा होता है ये वाला, तो इसे ल, इस र को लगाने के लिए हमें प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ 0170। ये अंदर ऑल्ट के साथ 0179। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है ओपन वाला, तो ये आपका ऑल्ट के साथ 0222, और जब क्लोज करेंगे तो ऑल्ट के साथ 0223। थ्री लिखना हो तो ऑल्ट के साथ 0151, ठीक है, ड्रॉ लिखना हो तो ऑल्ट के साथ 0230। प्रो के लिए 0193 भी ऑल्ट के साथ करेंगे, या फिर ऑल्ट के साथ 0231 दोनों कर सकते हैं। बड़ा ओ लिखना होगा तो ऑल्ट के साथ 0197, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब जो है आपको यूज़ मिल जाएगा, इन सबों का यूज़, ये प्रो वाले का भी यूज़ आपको मिल जाएगा, अधिकतर मिल जाता है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। चतुर्बिंदी के लिए ऑल्ट के साथ 0161, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट छोटा वाला ऑल्ट के साथ 0188, क्लोज करेंगे तो ऑल्ट के साथ 0189। इज इक्वल टू को लगाना हो तो ऑल्ट के साथ 0190। ये वाला ब्रैकेट से बोलते हैं हम लोग मिडिल ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट, इसके लिए जो है ये आपका कर्ली ब्रैकेट आप बोलें इसको, तो ऑल्ट के साथ 0191। इसका जब क्लोज करेंगे तो ऑल्ट के साथ 0192, और फ्रॉ के लिए ऑल्ट के साथ 0221। तो इसको जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए, चाहिए तो इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, जो इसको कराया मैंने और जो इसके पहले कराया। ये सारे कोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टाइपिंग के लिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई शब्द ऐसा मिल जा रहा होगा ना जिसमें कोड का यूज़ आपको करना ही पड़ता है, और एग्ज़ाम में भी जो भी पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं ना उसमें आपको कोई ना कोई शब्द ऐसा ज़रूर से मिलेगा जिसमें आपको जो है इन कोड्स का यूज़ करके आपको कोई ना कोई अक्षर बनाना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर और भी कोई ऐसा अक्षर है जो आपको नहीं बनाने आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर से बता दूँगी किस तरह से जो है आपके वो भी अक्षर बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।